नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निधि और आप देख रहे हैं न्यूज शो 11। लेट्स बिगिन। सो बिग बॉस एपिसोड नंबर 3 में जो हुआ वो बहुत ही कमाल का था टास्क हुआ और काफ़ी चीज़ें हुई देखने वाली। लेकिन हम सबसे पहले शुरुआत से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हुआ सॉन्ग में था। ओ माय गॉड, सॉन्ग बहुत पता नहीं कहाँ से लाए थे बिग बॉस, बहुत ही अच्छा था। लेकिन सॉन्ग से डेफिनेटली ये बात क्लियर हो गई थी कि ये टास्क जो आज होने वाला है वो कुछ होने वाला है समथिंग डॉक्टर एंड मरीज का, और वही हुआ। सो उसकी कुछ लाइंस थी, जाओ जाओ जल्दी जाओ, डॉक्टर को बुलाओ, नब्ज दिखाओ, मेरा हाल पता एंड ऑल, वो सबसे क्लियर हो रहा था कुछ ऐसे टास्क होने वाला है। सो उसके बाद डांस हुआ, उसके बाद शहनाज का जो कल रोना धोना था इस बात पे कि मेरे को राशन नहीं आ रही, मैं नहीं कर पा रही हूँ, वो आज शहनाज ने स्टेप उठाया और बहुत ही अच्छे से क्लियर किया। और उसका जो क्यूट सा डायलॉग आया, बी प्रोफेशनल, दैट वॉज ऑसम डेफिनेटली। एंड बहुत अच्छा किया शहनाज ने। और इवन शहनाज ने राशन के लिए लड़ाई भी कर ली, आसिम ने हमेशा की तरह फिर से दोबारा चाय बनाई, लेकिन उसने ज़्यादा मटेरियल नहीं यूज़ किया, वही पुराने पत्ती से बनाई। लेकिन फिर भी शहनाज ने लड़ाई की कि बार बार क्यों बनाई जा रही है, अगर बार बार ना होगा तो मुझे देखना पड़ेगा, तो मेरी मंजी वहीं बिछा दो, दैट वॉज ऑसम। लेकिन हाँ, शहनाज ने अपना स्टेप ले लिया है, वो आ गए अपने जोश में, तो उन्होंने राशन पे लड़ाई की और उन्होंने राशन इवन छुपा के भी रखा, और जो कि हर सीज़न में होता ही है क्योंकि राशन कम होता है तो छुपा के रखना ही पड़ता है। सो लेट्स वेयर। उसके बाद आते हैं हम टास्क पे। टास्क शुरू हुआ, सबसे पहले बारी थी आसिम और सिद्धार्थ शुक्ला की। ओ माय गुडनेस, आसिम ने तो जाते ही गिव अप कर दिया। चुईमुई टाइप सब होता है आसिम इस मामले में। आप अगर बिग बॉस में आ रहे हो तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि बिग बॉस में क्या क्या चीज़ें हो सकती है। तो अब जो उन्होंने कहा कि ये हेयर रिमूवल क्रीम लगा रहे हैं, वो सिद्धार्थ पे भी लगाई गई थी, बहुत सारी लगाई, सिद्धार्थ पे इतना कुछ लगाया गया था। अब एक सिर्फ छोटी सी हेयर रिमूवल क्रीम से सिर्फ हेयर्स नहीं होता और इतना ज़्यादा नहीं होता है कुछ, आप उसके ऊपर ये कर रहे हो कि नहीं ये मतलब एंड ऑल एंड ऑल, ठीक है, पता लग गया हमें कि आसिम वाकई में चुईमुई टाइप एंड इस टाइप का है। आसिम का गिव अप करना डेफिनेटली गलत था, मुझे तो लिटरली बहुत गलत लगा। उसकी पूरी टीम ने इतनी चीज़ें सही, इतनी चीज़ें करी, बट आसिम ने बहुत जल्दी गिवअप कर दिया। इस बात पर उसके बारे में लड़ाई भी हो गई थी। एनीवेज, हम आते सिद्धार्थ शुक्ला पे। हैट्स ऑफ मैन, हैट्स ऑफ। सिद्धार्थ शुक्ला ने जो टास्क परफॉर्म किया, दैट वाज अमेजिंग सीरियसली। उस इंसान ने विदाउट इवन फॉर अ मिनट, विदाउट इरीटेट हुए, इतना कुछ उसके ऊपर किया गया, स्किन के ऊपर, वो शिट तो देखा भी नहीं जा रहा था मेरे से। लेकिन उस इंसान ने बिना इरिटेट हुए, नॉट इवन फॉर अ सिंगल मिनट, उसने कुछ बिना कहे, और इवन टास्क के बाद भी उसने ऐसा कुछ रिएक्ट नहीं किया कि हाँ तुमने ये डाला मेरे पे, ये डाले इधर। नॉर्मली ऐसे बिग बॉस टास्क इतनी हेल्दी परफॉर्म नहीं होते जितना सिद्धार्थ की रिएक्शन की वजह से इतना अच्छे से परफॉर्म हुआ, दैट वॉज ऑसम। और बहुत अच्छे से सिद्धार्थ ने उसको हैंडल किया। उसके बाद बारी आई थी कोयना एंड सिद्धार्थ दे की। सिद्धार्थ दे से मुझे सीरियसली टेलिंग मुझे उतनी उम्मीद नहीं थी वो कर पाएंगे, लेकिन उन्होंने बहुत बाखूबी अपने टास्क को निभाया और हर चीज़ उन्होंने खाई। हालांकि उनके फेस पे बहुत ज़्यादा एक तरह से उनके आंसू भी निकल आए थे एंड, बट फिर भी उन्होंने बहुत अच्छे से अपने टास्क को परफॉर्म किया। एंड कोयना वॉज ऑल्सो टू गुड मैन, चाहे वो कम नज़र आती है, लेकिन एक चीज़ उनकी कल वाले टास्क की ये चीज़ बहुत क्लियर होगी कि वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकती हैं, वो टास्क को बहुत अच्छे से निभा सकती हैं। जब टास्क की बारी आएगी तो वो स्टैंड लेंगी, चाहे वो बहुत कम नज़र आती है, एंटरटेनमेंट चैनल का थोड़ा कम होता है, लेकिन वो टास्क बहुत अच्छा किया उन्होंने। और उसके बाद आया था आरती और रश्मि का टास्क, शहनाज की ड्रामेबाज वाली परफॉर्मेंस। डेफिनेटली वो चीज़ में थोड़ा इन्वॉल्व ज़्यादा हो गई थी, लेकिन जो उन्होंने शुरू किया रोना धोना एंड ऑल एंड ऑल, ओह माय गुडनेस, दैट वाज, ओह माय गुडनेस। मुझे पहले तो बिलीव नहीं होता, मुझे समझ में भी नहीं आ रहा था कि ये क्या करना चाह रही है, क्योंकि ये रियलिटी में रो रही है या ड्रामा कर रही है या क्या कर रही है, बट लेकिन वो रियलिटी में उस चीज़ में घुस चुकी थी। लेकिन रश्मि ऑब्वियसली इस चीज़ को देख के नहीं उठती, वो नहीं उठी जो कोई एक साइड डिसीजन भी था। और आरती में तो एंकर ने, ओहो एंकर कुछ भी है, एंकर परफॉर्म अच्छा करती है डेफिनेटली, और उसने आरती को रुला दिया बहुत गंदे तरीके से। चाहे उसने कुछ भी बोला, चाहे उसने उसकी मतलब कहीं बातें भी मैटर नहीं करती थी, कुछ भी बोल दिया उसने, लेकिन डेफिनेटली आरती को रुला दिया। और सिद्धार्थ ने इस बात पे उसको बोला भी कि ये चीज़ बहुत गलत की तुमने आरती, तुम्हें रोना नहीं चाहिए था, वो कुछ भी बोल रही थी जब तुम्हारे को पता था, तो वो बहुत बहुत सही चीज़ कही सिद्धार्थ ने कि आरती तुम्हें रोना नहीं चाहिए था, तुमने जीत के भी हार गए तुम एक तरीके से, क्योंकि उसने रुला दिया तुम्हारे को। सिद्धार्थ की बात मुझे बहुत अच्छी लगी लिटरली, लेकिन ठीक है आरती भी अपने इमोशंस में थी या कुछ भी लगा लो ठीक है, बट हाँ टास्क डेफिनेटली आरती और रश्मि का पूरा हुआ, उन्होंने जीता। एंड उसके बाद आया पप्पी वाला टास्क,
सीरियसली टास्क ले रहा था उस हिसाब से वो लोग कर रहे थे। सिद्धार्थ दे ने शुरुआत की, जो उन्होंने बोला कि मायरा के बारे में कुछ बोला जा रहा था, तो सिद्धार्थ दे ने उसके फिंगर प्रिंट्स पे स्मूच किया। भाई ये क्या हो रहा है? दैट वॉज इज नॉट लाइक दैट बिग बॉस है बॉस, आप ये चीज़ें कर रहे हो, फैमिली शो है। ओके सो मुझे नहीं पता सलमान खान के रिएक्शन इस बात पर क्या होने वाला है। आपको क्या लगता है गाइस, ये चीज़ें जो हो रही हैं पप्पी वाला टास्क एंड ऑल एंड ऑल, ये चीज़ें सही हैं या नहीं? आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये चीज़ें ऐसे ही कंटिन्यू रहेंगी या रहनी चाहिए या व्हाटएवर जो भी इंटरव्यूज है। तो सिद्धार्थ ने सबसे बड़ी बात जो मुझे बहुत ज़्यादा बुरी लगी, सिद्धार्थ से पूछा गया कि आपकी शादी हो रखी है ना, मुझे एक्चुअली में ये सही बताऊँ मुझे पता नहीं है कि सिद्धार्थ की शादी हो रखी है नहीं, व्हाटएवर उसने सीधा ही बोला तेल लेने गई मेरी शादी। That was not done man, that was not done. चाहे बिग बॉस में हो चाहे मस्ती करते हो, लेकिन आपको ये चीज़ नहीं बोलनी चाहिए थी अगर आप मैरिड हो तो, डेफिनेटली, क्योंकि ये पूरा इंडिया में ये जा रहा है। आपके सिर्फ घर की बात नहीं है ये कि आपने हाजिर मजाक में बोल दिया, पर इंडिया में ये चीज़ जा रही है। दैट वॉज नॉट फेयर, दैट मुझे नहीं अच्छी लगी वो बात एक्चुअली। ये था आज के एपिसोड में किस किस पे इन्होंने ख़त्म कर दिया, और देखते हैं वीकेंड पे सलमान खान इस बात पर कैसे रिएक्ट करते हैं। एंड होपफुली ये रिव्यू आपको अच्छा लगा होगा, अगर आपको अच्छा लगा तो आपके कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और आज की वीडियो के लिए इतना ही, कल मिलते हैं हम दोबारा नेक्स्ट एपिसोड और नेक्स्ट रिव्यू के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, और लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड अपने कमेंट बॉक्स में अपने व्यूज़ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स एंड हैव अ गुड डे।